हेलो गाइस, मैं हूं अनिकेत। और गाइस, आप लोग को पता होगा कि जो बेसिकली कैमरा होता है यार, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक होता है कैमरा बॉडी, एक होता है लेंस। और फिर उन दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद एक अच्छे से सेटअप बनता है, फिर उसके बाद हम लोग शूट करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या होगा जब हम लोग कैमरा से यार उसका जो लेंस है वो अलग कर देंगे, और बस उस कैमरा बॉडी से अगर हम लोगों ने शूट किया तो यार हमारा जो शूट होगा या फिर जो वीडियोस होगी, जो फोटोज होंगी, वो कैसे आएंगे? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और सबसे मेन बात यार, फोटोज गिरेंगे भी या फिर नहीं भी गिरेंगे, जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली आप लोग को दिखा जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यही करने वाले, उस कैमरे से उसका जो लेंस है वो अलग कर देंगे, और सिर्फ गाइस उस कैमरा बॉडी से हम लोग फोटोज लेंगे और देखते हैं गाइस कि किस तरीके की हमें फोटोज और वीडियो देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से शुरू करते गए। और मुझे उम्मीद है कि यार ना ही आप लोगों ने आज से पहले कभी ये देखा होगा, ना ही कभी ट्राई किया होगा, तो यार हम लोग आप लोग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले गए फटाफट से वीडियो से शुरू करते हैं। It's all about humanity. तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार हमारा जो कैमरा है। और देखिए यार, जब हम लोगों ने कैमरा लिया था तो मैंने आप लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ना ही कोई वीडियो बनाई थी, ना ही कहीं पर कुछ डाला था, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई मैं किससे शूट करता हूँ, ठीक है। पहले इस बैग को कर देता हूँ बंद और इसे रख देता हूँ नीचे। तो क्या यार, मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ यार, वो है कैनन का 200D Mark II, जो कि मैंने 3 महीने पहले ख़रीदा हुआ था। और क्या इसके साथ मुझे एक लेंस मिला हुआ है जो कि 18-55 का है, ठीक है। तो गाइस यार, आप लोग देख सकते हो कि यार हमारा जो कैमरा है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई ये दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड भी हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो लेंस है वो अलग भी हो चुका है इससे। तो गाइस, अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये है हमारी कैमरा बॉडी। और गाइस, अगर प्राइस की बात करूँ तो यार ये आता होगा मेरे हिसाब से कुछ 30,000 का, और वो होगा 30,000 का। इससे मिलाकर हम लोगों ने 60,000 का ये जो कैमरा है वो ख़रीदा हुआ था। तो गैस, अभी बात करते हैं कि हम लोगों ने यार हमारा जो कैमरा है उससे लेंस अलग कर दिया है, और अभी देखते हैं गैस कि जो फोटो और वीडियो आती है वो कैसे आती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और यार आप लोग ये देख लीजिए कि यार कोई भी अगर आप लोग DSLR यूज़ करोगे तो यार उसके अंदर आपको इतना बड़ा सेंसर देखने को मिलता है। कोई भी अगर DSLR हो तो उसके अंदर गैस इतना ही बड़ा सेंसर होता है, जिससे यार हमारी जो वीडियो होती है, जो फोटो होती है, वो बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको, पहले मुझे बता दीजिए। वही दिख रहा है यहाँ पर इसके अंदर का जो सेंसर है, दिख रहा है ठीक से? हाँ, देख लीजिए गाइस, बहुत बड़ा सेंसर होता है और इससे हमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, हमारा जो कैमरा है उसे ऑन कर देता हूँ। हम लोगों ने यार जो कैमरा है उसे ऑन कर दिया है। तो गाइस, फिलहाल तो हम लोगों ने जो कैमरा रखा है वो फोटो पर रखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यार, जो कैमरा है उसे वीडियो मोड पर कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं करता हूँ इसे वीडियो मोड पर। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पर मुझे एक सूचना दी गई है कि भाई मेक श्योर ऑल लेंस अटैच, प्रेस बटन टू प्रिपेयर फॉर मूवी शूटिंग। तो यहाँ पर यार मुझे साफ साफ सूचना दी गई है गाइस कि आप पहले लेंस अटैच करें और फिर उसके बाद आपकी जो शूटिंग है उसे स्टार्ट करें। लेकिन गाइस, हम लोग क्या करने वाले यार, विदाउट लेंस शूट करने वाले, और देखते गाइस कि कैसा शूट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, मैं जो शूट है उसे ऑन करता हूँ, और गाइस आप लोग भी देखिएगा कि किस तरीके का शूट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए, जो शूट है उसे ऑन करता हूँ, आप लोगों ने आवाज़ सुनी गाइस। और गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो शूट हमारे सामने यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं लगा दूंगा गाइस, आप लोग देखिए यार, लिटरली सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, ये टेबल है, ठीक है, मैं अपना हाथ इसके सामने लाता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस विदाउट लेंस। देखिए गाइस, आसमान के ऊपर भी कर देता हूँ। ओ भाई, वो गाइस मुझे तो लगा था यार कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अनबिलीव गाइस, मैंने भी ये नहीं सोचा था कि यार हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगा था भाई कि कुछ ना कुछ मतलब, देखिए विदाउट लेंस अगर हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई कुछ मतलब दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा। लेकिन गाइस, मेरे भी यार एक शॉकिंग रिवर्ट है कि यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, टेबल का भी मैंने देख लिया, आसमान का भी देख लिया, कुछ भी नहीं दिख रहा है लिटरली। देखिए, मुझे भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप लोग भी देखिए स्क्रीन के ऊपर, कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। आप लोग भी देख सकते हो गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल। गाइस, बिलीव नहीं हो पा रहा है यार कि विदाउट लेंस यार कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब भले आपके पास कैमरा होगा, लेकिन अगर आपके पास यार लेंस नहीं होगा ना, तो आपका कैमरा कुछ भी काम, किसी भी काम का नहीं यार। आप लोग उसे फेंक दो, क्योंकि लेंस के बिना आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार लिटरली। देखिए, आसमान के ऊपर कर रहा हो तो गाइस पूरा वाइट ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर रख रहा हो तो हल्का सा ब्लैक आ रहा है, यहाँ पर कर रहा हो तो गाइस हल्का धुंधक आ रहा है। मतलब यार कैमरा के बिना, सॉरी जो लेंस है उसके बिना यार आपका जो कैमरा है वो किसी भी काम का नहीं है।
ठीक है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि विदाउट लेंस अगर होगा आपका कैमरा तो जो आपकी वीडियो फगी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर देता हूँ और अभी मैं क्या करता हूँ गाइस कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेता हूँ, देखते भाई कुछ फोटोज में भी दिखता है या फिर नहीं दिखता। तो चलिए सबसे पहले यार जो हमारा कैमरा है उसे फोटो मोड पर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी हमारा जो कैमरा है फोटो पर ऑन हो चुका है, तो अभी देखते गए एक काम करता है इसके ऊपर भी, देखिए हमारा जो कैमरा होता है ना यहाँ पर भी मैं देख लेता कुछ दिखता है या फिर नहीं। ओ भाई साहब जैसा सोचा था वही वही निकला गया, जैसा हमारे वीडियोस में दिख रहा था बिल्कुल सेम यार वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, यहाँ पर धुंधक धुंधक दिख रहा है, ऊपर अगर करूँ गैस तो पूरा ब्लैंक दिख रहा है वाइट वाइट, और नीचे करूँ गैस तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फोटोज़ भी देख ही लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा फोटो को, ठीक है। तो चलिए खींचता हूँ गैस यहाँ की फ़ोटो कैसी आती देखते। तो गाइस विदाउट कैमरा लेंस की विदाउट लेंस की जो फोटो हो कुछ इस तरीके से आती है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मतलब यार बिलीव नहीं हो पा रहा, ठीक है। आप लोग देखिए ऊपर की भी आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, ये ऊपर की हो गई, ठीक है। फिर गाइस ये हो गई नीचे की, और गाइस मैं खुद की भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और वो भी आपको दिखा देता हूँ और आप लोग भी देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए खींचता हूँ अपनी फ़ोटो विदाउट लेंस। गाइस आपको दिखाऊँ फोटोज़, मुझे भी पता है कैसे आने वाली है, कुछ भी दिखेगा नहीं गाइस। आप लोग सारी फोटो यार यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने फ़ोटो खींची वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा यार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार, मतलब मेरा ये कैमरा कुछ भी काम का नहीं है अगर इसमें लेंस नहीं होगा गाइस। मतलब यार आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपके पास लेंस नहीं ना यार तो आपका कैमरा कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ जो गाइस खेल होता है ना यार वो लेंस पर ही होता है। तो आई होप गाइस कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपको दिखाना चाहते थे वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से आपको समझ चुका होगा कि किस तरीके से यार हमारा जो लेंस है वो काम करता है, और अगर आपके पास लेंस नहीं होगा ना यार तो आपका जो कैमरा है ना वो कुछ काम का नहीं है, और लेंस होगा तो आपको पता ही है कि कैसे वीडियो पर उसमें फ़ोटोस आती है। तो आई होप गाइस कि आपको आज की इस वीडियो में यार आपको कुछ नया देखने को मिला होगा, और मुझे पता है कि यार आप लोगों ने आज से पहले यार कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही कभी ट्राई किया होगा, और देखिए ट्राई भी मत करना यार, ना ही वीडियो स्टिक से आएगी ना ही फोटो स्टिक से आएगी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो में मोबाइल जरूर से आएगा, अगर फिर आपको वीडियो में मोबाइल तो वैसे वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि यार हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ नया किया, तो प्लीज़ यार आप लोग हमारे इस यूनिक आइडिया के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और गाइस अगर आपको इसी तरीके की गाइस अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ गाइस जो बेल वाला आइकन है उसे भी जरूर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस मिल जाए अपनी अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।